हेलो फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं कुछ सेक्स से मेडिटेशन का जिक्र करूंगी, तो मैं अपना मेडिटेशन बताना चाहती हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे तो आपको मेडिटेशन मिल जाएंगे कि आपको देखिए बहुत सारी थेरेपी होती हैं, कर्डलिंग, जिसमें एक दूसरे को साथ चिपक के रहते हैं, लेटते हैं। तो देखिए हर तरह का होता है। अब इस चीज़ को पहले बारीकी से समझिए। जैसे कोई इंसान बीमार होता है, बचपन में हम छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चा जब बीमार होता है तो क्या होता है बच्चे का, कि बच्चे का मानसिक ये होता है कि उसको अपने आसपास अपनी मम्मी चाहिए होती है। तो क्या होता है, उससे बहुत खुश फील करता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दूसरी चीज़ें और उसको सोचता ही नहीं है, बस मेरी माँ मेरे साथ है तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपकी इच्छाओं का दायरा बढ़ता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ हो, चाहे अपने पार्टनर्स के साथ हो, आप उसमें उलझ के रह जाते हैं। आपको जहाँ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आप नहीं करते हैं, आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में तो एक विचार आ गया है, जिस विचार को लेकर आप हमेशा बस गंदगी में डूबे रहेंगे। तो गाइस, इससे ऊपर उठेंगे तभी तो आपको अनुभव होगा। और जब इंसान इन सब झंझटों से, जो ओशो जी कह गए थे सेक्स से समाधि, तो उन्होंने यही कहा था कि जब इंसान इन सेक्स कर करके पक जाता है, जब उसको असली अनुभव होता है, तब वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जाता है और वहां पर उसकी लस्ट खत्म हो जाती है। सांसारिक जीवन में वो भले ही रहे, अपने अपने फैमिली को अपने सब प्यार करे, लेकिन उसका असली अनुभव उसी शांति में होता है जब उस कनेक्टिविटी उसकी गॉड के साथ होती है, उस ईश्वर शक्ति के साथ होती है, जिसके लिए दुनिया पागल है, जिसके लिए हिमालय में लोग अपने जाके तपस्या कर रहे हैं, कितनी साधनाएं कर रहे हैं। तो वो अनुभव होता है गाइस। और मैं आपको कोई ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अभी जाके हिमालय पे तपस्या कर लीजिए, मैं नहीं बोल रही हूँ। आपको जो ईश्वर ने दिया है, क्योंकि कामदेव हमारे ही थे, हमारे ही देवताओं में आते हैं कामदेव, और लेकिन दुनिया देव को भूल गई है, सिर्फ काम में डूब गई है, और काम भी अपने काम नहीं, जो दिन जिससे आप पर खर्चा चलने वाला है, सिर्फ इस काम में, इस इच्छा शक्ति में जो अंदर से पनपती है और किसी के लिए भी आती रहती है। इस पे कंट्रोल नहीं किया तो आप विनाश की तरफ जा रहे हैं। और एक और बात, जो पराई स्त्री के लिए अपने दिमाग में गंदगी लाता भी है ना, सिर्फ गंदगी लाने से ही उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नारी शक्ति ईश्वरीय शक्ति होती है, उस माता का रूप होती है जो आपको पता ही है, काली माता, दुर्गा माता, सारी देवियों का रूप होती है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुषों ने ऐसा बनाया है, कुछ देवियों ने खुद को ही कलंकित किया हुआ है, जो खुद काम में डूब गई हैं, क्योंकि इंसान है, मेल फीमेल तो बाद में है, पहले इंसान की जो अंदर डाल दी गई है फीलिंग्स, उससे मोहताज हो गए हैं। देखिए कोई भी चीज अगर ओवरफ्लो होती है तो उससे दिक्कत होती है। सपोज एक मटका है, उसमें आपने पानी भरना है, जिसमें 4 लीटर पानी आ रहा है, अगर आप उसमें 5 लीटर डालने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो तो होगा ही ना, और वो ओवरफ्लो से क्या होगा, पानी बाहर आएगा। तो वही चीज है, जितना आपको दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है, नेचर ने आपको जो दिया है कि आप इसको इस तरीके से कीजिए, आपने उस तरीके को बदल दिया है, आपने सिर्फ अपनी इच्छाओं को आगे रखना शुरू कर दिया है, और वो इच्छा शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि आपको रियलिटीज नहीं समझ आ रही है, एक आप इमेजिनरी दुनिया में रह रहे हैं, आपको रियलिटी का पता ही नहीं है। और औरों की बात क्यों मैं कहूंगी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस अपने शेयर करती हूं। तो सच में गाइस, जब आप एक फीलिंग्स के साथ अपने पार्टनर के साथ इस क्रिया को कर रहे होते हैं, क्योंकि जब एक फिजिकल रूप में दिखाई दे रही है तो आप इसे एक एक्टिविटी बोलते रहे हैं, इसे सेक्स का नाम दे दे रहे हैं, अदरवाइज ये फीलिंग्स हैं जो एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, जो गोपियों के साथ बोला जाता है कि कृष्ण जी ने भी तो राज किया था, तो आप लोग अज्ञान हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आप लोग सिर्फ उस चीज को देख रहे हैं जो एक वर्ड पे जा रहे हैं, जो रास बोल दिया आपका, रास का मतलब रासलीला की एक दूसरे के साथ सेक्स। और कान्हा जी ने तो फिर ऐसे करोड़ों गोपियों के साथ सेक्स किया है ना, इसी मेंटालिटी के साथ। जो मथुरा में मंदिर है, बोला जाता है कि वहां पे कोई देख नहीं पाता है उनको, क्योंकि वहां पे उनका रास चलता है। तो रास मिलने का मतलब रास नहीं होता है, वो सेक्स नहीं होता है, वो एनर्जी मिलन होता है, जो इतनी हायर लेवल की होती है और इतनी प्योर होती है कि उसे एक साधारण इंसान देख नहीं सकता, क्योंकि उसकी दिमाग की प्योरिटी उतनी नहीं है, उसकी आत्मा की प्योरिटी उतनी नहीं है। तो इस फैक्ट को आप जानते ही नहीं हैं। उसमें रास का मतलब, उनका जो प्यार का मतलब है, एनर्जी मिलना, जो उनकी बॉडी की एनर्जी है, दूसरे की एनर्जी से
मेंटली कनेक्ट हो रही है, सोल कनेक्ट हो रही है, वो प्यार है, वो उनका रास है। अभी मैं जो अपनी बात कर रही हूँ, हमारे उनमें भी ऐसा ही होता है, हमारे पुरुषों और महिलाओं में भी ऐसा ही होता है, जिसके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है उसी से हम मिलते हैं। लेकिन आप हर किसी के साथ अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करने की कोशिश करेंगे तो कैसे मिल सकती है? ईश्वर ने, कहते हैं ना, ईश्वर ने जोड़ियाँ ऊपर से बनाई हैं, इसी वजह से ईश्वर ने जोड़ियाँ बनाई थी कि सबका सबके साथ मेल नहीं हो सकता, सबको सबके लिए एक एक चीज एक एक बंदे को मिला है। लेकिन जो इस तरह से अपनी मेंटालिटी को रखते हैं और अपने ऊपर वश नहीं कर पाते हैं तो बार बार जन्म लेते हैं लेकिन तब भी उनका उद्धार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसी प्रवृत्ति के होते हैं और जब तक उनका उद्धार नहीं होगा वो ऐसे कलंकित काम करते ही रहेंगे। तो दोष सिर्फ इस सोच का है, इस अपाहिज सोच का है जो ये सोचती है कि मैं तो इससे ऊपर नहीं सोचता हूं, कितना भी कोशिश करूं मैम मैं बच नहीं पा रहा हूं इससे, कितना भी कोशिश करूं ये विचारों को रोक नहीं पा रहा हूं। तो विचार तो आपके अंदर आते ही रहेंगे, मैं हमेशा से कहती आई हूं थॉट्स आर स्पॉन्टेनियस, ये तो आती रहेंगी, लेकिन आपको कौन सी थॉट को अंदर जाने देना है ये आपके हाथ में है। जब आपके साथ कुछ अच्छी चीजें और गलत चीजें होती हैं, मतलब गलती आपकी हो, तो आप कोशिश करते हैं सामने वाला उस गलती को भूल जाए और अच्छी बातों को हमेशा याद रखे। तो वही चीज आप अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करते? क्योंकि आप दूसरों की गलतियों को नहीं माफ कर सकते, इसीलिए आपके दिमाग में ऐसा है, इसीलिए आप अपनी जो चली आ रही है मैं तो ऐसा सोचता हूं ऐसा ही सोचता रहूंगा, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो वैसे ही कुछ ठीक नहीं होने वाला। आपने अगर असली अनुभव किया तो आप खुद बोलेंगे आप उस फॉर्म में हैं या उस जब एकदम सेक्स की चरम सीमा होती है जहां पर वो अनुभव होता है, तो वो अनुभव बहुत स्पीचलेस होता है। हर किसी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं क्योंकि हर बॉडी का मैकेनिज्म अलग है। लेकिन आप कर किसी के साथ रहे हैं, दिमाग में कोई और है, तो कैसे सेटिस्फाइड होंगे? आप सिर्फ गलतियों के साथ उसे एक्सेप्ट करेंगे, इसका ये अच्छा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि साइज साइज से बड़ा दिक्कत होती है, उसका साइज अच्छा नहीं है, साइज छोटा है बड़ा है ये नहीं है, और लड़की के प्राइवेट पार्ट के बल ये बोल देते हैं अरे वो तो किसी काम की नहीं रही है, बहुत हो गया। अरे कितनी गंदी सोच है आप लोगों की, आप जो आपको फील करना है उसे फील नहीं कर रहे हैं, आप उसे बस एक एक्टिविटी एक गेम की तरह लेते हैं। मैंने तो 7 गेम बजा दिए, मैंने तो 5 गेम बजा दिए, कितनी मतलब शर्म भी नहीं आती ऐसे बोलते हुए। तो अपनी अज्ञानता के पर्दे हटाइए, आपसे ज्यादा बेवकूफ या नादान कोई नहीं है। हो सकता है आपको मेरी बातें समझ भी ना आ रही हो, लेकिन मैं क्या करूं, आप अज्ञानी इतने हैं तो आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा मेरी बातों को समझने का। लेकिन जितने सही लोग हैं वो शायद उसे समझ पा रहे होंगे। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करिए, अपनी बीवी के साथ कीजिए, उसकी मर्जी के बिना बिल्कुल मत कीजिए। सेक्स करना गलत नहीं है, लेकिन उसको एक गेम की तरह बना लेना और उसको एक नुमाइश की तरह बना लेना वो गलत है। अपने हर एक चीज का दायरा रखिए, एक चीज मर्यादा में रहिए, नेचर को मत डिस्टर्ब कीजिए, क्योंकि नेचर ने जो बनाया है उसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो नेचर आपको डिस्टर्ब कर ही देगी, उसी से पाप पुण्य जुड़ता है। आप अपनी माँ के साथ सेक्स करें वो गलत, लेकिन अपनी बीवी के साथ करें वो सही। क्यों? माँ भी तो एक औरत है, क्योंकि नेचर ने बनाया है कि जिस औरत ने आपको पैदा किया है आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो इस सोच को आगे बढ़ाइए और इस असली अनुभव को करिए। जब आपको ये अनुभव हो जाएगा ना और आप इस लेवल पे उतर जाएंगे, जैसे आप एक कोर्स करते हैं और उसके बाद आपको जब वो हो जाता है तो फिर आपका मन करता है और हायर लेवल पे जाया जाए, तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी होती है। जब आप सेक्स के लेवल से ऊपर आएंगे ना तब आप स्पिरिचुअलिटी को टच कर पाएंगे। जब आप इसके भ्रम से आ जाएंगे कि बस यही सब कुछ है इसी में रह जाना है, जब ये थॉट्स आपके दिमाग से जाएगी तब आप ऊपर जाएंगे, तब आपका जो जो एनर्जी है वो यहाँ आएगा क्राउन चक्रा पे, और तब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ पाएंगे, तब आपको सही गलत की समझ आएगी। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिए गाइस, मैं एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते, एक साइकोलॉजिस्ट होने के अलावा मैं एक स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, तो मुझे पता है स्पिरिचुअलिटी। और जब मैं ईश्वर के साथ होती हूँ या फिर जो मैं बता रही हूँ सेक्स मतलब जो खुशी मिलती है अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ, तो मुझे वही ईश्वर शक्ति का बोध होने लग जाता है और फिर मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर पाती हूँ। इसीलिए मेरी थॉट्स इंटेंशन सब क्लियर रहते हैं, बहुत शांति रहती है इन चीज़ों को लेकर, कोई पागलपन की बातें नहीं रहती हैं। यही बातें मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसको अगर आप फील करेंगे
तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तब आप समझ पाएंगे कि जितनी खुशी आपको सेक्स करने में मिलेगी उससे कई लाख गुना आपको स्पिरिचुअलिटी में मिलेगी जब आप उस कनेक्ट होंगे। उस कनेक्ट होने के लिए आपको इस लेवल से ऊपर आना पड़ेगा। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई, समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और ट्राई करके देखिए। थैंक यू गाइस।